Hey guys! तो यार पहली मैच तो CSK वर्सेस KKR या KKR वर्सेस CSK जो भी आजकल होम अवे का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिंस कोविड, बट मैच पहले KKR की CSK के साथ है और हम लोग पूरा बदला लेने वाले उनके साथ लास्ट फाइनल का। तेरे तेरी सबसे क्या है, किसके साथ मुझे लग रहा है कि SRS DC के अगेंस्ट खेलेगी फर्स्ट मैच। तुझे क्या लग रहा है? मुझे लगता है MI और RCB रहेगी। अबे क्या फर्क पड़ता है, पक्का RCB जीतेगी, ये लोग को तो आदत ही फर्स्ट मैच हारने की। और अभी हम लोग आगे का वीडियो प्ले करते हैं, उसके पहले आपको पता है आपको क्या करना है, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, 120,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचना है, और लाइक करो, कमेंट करो आपके हिसाब से कौन सी रहेगी फर्स्ट मैच आफ्टर CSK वर्सेस KKR ऑब्वियसली। सो फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो। अरे यार करना ही है क्या? नहीं यार, मतलब मेरा मूड ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि क्या फायदा। नहीं मतलब कितना भी एफर्ट डाल दो, आप लोग कितनी भी मेहनत कर लो, अंत में या तो चेन्नई सुपर किंग्स नहीं तो मुंबई इंडियंस ट्रॉफी ले जाती है। और मैं ऐसे एक दो साल की बात नहीं कर रहा हूं, 2017 से देख रहा हूं यार, ट्रॉफी ये दोनों के बीच में ही घूमती जा रही है। नहीं मतलब हम भी तो एफर्ट डाल रहे हैं ना बीच में। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। पिछले सीजन की बात करो तो KKR ने फर्स्ट हाफ में तो कितना गंदा परफॉर्म किया था। नहीं मतलब क्वालिफिकेशन तो छोड़ दो, फर्स्ट हाफ देख के वी वर जस्ट होपिंग यार एटलीस्ट लास्ट मत आओ। जब हम KKR के फैंस, मैनेजमेंट और टीम ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था ना, तब आउट ऑफ नोवेयर एक प्लेयर ने बोला कि रुको मैं हूं ना, मैं संभालता हूं। नहीं वेंकटेश अय्यर नहीं, वरुण चक्रवर्ती, उसने बोला रुक और सब रुक भी गए। डायरेक्टली 6 महीने बाद खेले और तभी जो कमबैक किया है ना हमने। एंड देखो यार मजाक एक तरफ, पर हमारा KKR का असली हीरा तो वेंकटेश अय्यर ही है। वेंकटेश अय्यर के साथ शुभमन गिल की टॉप में पार्टनरशिप देखने में क्या मजा आता था। हाँ यार फाइनल्स में भी क्या खेली तेरी टॉप ऑर्डर। हाँ यार मतलब सच्ची बोल रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा लग रहा था कि चेस कर लेंगे और टाइटल जीत जाएंगे, पर फिर दोनों आउट हो गए। और फिर हाँ यार शी ऐसे कैसे हार गए तुम लोग? क्या बोला? अरे मतलब हारना जितना अलग बात है, बट कंफर्टेबल रन चेस में चोक होना इज डिफरेंट। हाँ हाँ बराबर है बराबर है। नहीं मतलब एक IPL फाइनल में एक टोटल चेस करते टाइम बहुत बढ़िया स्टार्ट के बाद सडनली मिडल ऑर्डर कोलैप्स होना और टीम हार जाना कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा। साहब आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को, मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना बिटल्स बिटल्स ना। बट अभी हम लोग की टीम यानी KKR की लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। हाँ मतलब अच्छे प्लेयर्स आ गए उसलिए भी, और मॉर्गन गया उसके लिए भी, अपने आप की जान छूटी। एडिशनली दिल्ली कैपिटल्स जैसे टीम को ऊपर लाने वाले कैप्टन श्रेयस अय्यर अब हमारा कैप्टन है, तो हमें तो फुल कॉन्फिडेंस है कि हम लोग मस्त परफॉर्म करेंगे। एंड जब आपके बैटिंग लाइनअप में वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा और आंद्रे रसल जैसे बैट्समैन है ना, तो कोई भी टोटल चेस करना मुश्किल नहीं लगता। हाँ बराबर है, बट ये होप करना कि सामने बुमराह और जोफ्रा ना आ जाए। अरे बुमराह ठीक है, पर तेरा वो जोफ्रा आर्चर तो नहीं खेल रहा ना ये सीजन। हाँ बुमराह और आर्चर नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास और भी ऑप्शंस है, बुमराह और उनटकट। एंड CSK वालों, ये साल हम सिर्फ बदला नहीं ट्रॉफी भी लेकर आएंगे। अरे क्या देख रहे हो, हाँ मूड खराब है मेरा, वार्नर नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है ना मेरा मूड खराब है तो जाके देखो हम लोग का लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस, क्योंकि वो उससे भी खराब रहा है, और पिछले सीजन के परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अगर कुछ खराब है ना तो वो है हमारा मेगा ऑप्शन। अरे एक तो स्टार्ट में कई गायब भी हो गए थे हम, अरे वो मुंबई इंडियंस की तरह। हाँ पर मुंबई इंडियंस ने एटलीस्ट ईशान किशन को तो खरीदा, तुम सनराइजर्स हैदराबाद ने किसको खरीदा? See, sometimes it's not important कि हमने किसे खरीदा, what's more important is हमने किसे नहीं खरीदा। किसे? विजय शंकर। बट देखो हमारी ये सीजन की टीम चाहे इतनी स्ट्रॉन्ग ना दिखे, बट हमारा कैप्टन केन विलियमसन है, वो अकेला ही काफी है। और केन विलियमसन है ना अपने कैप्टनसी स्किल की वजह से ना कोई भी टीम को चैंपियन बना सकता है। अरे केन विलियमसन अच्छा कैप्टन है मालूम है सबको, पर अगर तुम लोग ऑक्शंस में अच्छे प्लेयर्स उठाते तो कम स्ट्रेस आता ना बाद में। नहीं मतलब देखो हमारे पास CSK के पास तो MS धोनी है, इतना अच्छा कैप्टन है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम लोग अंधाधुन किसी को भी उठा दे ऑक्शन में। हाँ बराबर, वैसे CSK ने भी एकदम सोच समझ कर ही उठाया है शिवम दुबे को। बट स्टिल भूवी, नटराजन, उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी और मार्को येंसेन जैसे बॉलर्स हैं,
अगर ये लोग सही फॉर्म में आ गए ना तो 120 रन्स क्या 80 रन्स भी डिफेंड कर लेंगे। और एक सिंपल सी बात है, पिछले सारे सीजन में हमने कभी अच्छा परफॉर्म किया नहीं तो कभी बुरा परफॉर्म किया। कुछ प्लेयर्स आए तो कुछ प्लेयर्स गए, बट एक चीज कॉमन रही है और वो है हमारी ऑरेंज आर्मी। होगा और पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब 120,000 याद रखना सब्सक्राइब। और हाँ SRH वाले ना डेविड वॉर्नर को सच में मिस कर रहे हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि कौन रिप्लेस कर सकता है डेविड वॉर्नर को। और उतना ही नहीं तो स्पोर्ट्स हाउस की कम्युनिटी पेज हम लोग का वहाँ पर स्पोर्ट्स हाउस में कुकी वे करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आ जाओ, हमसे कनेक्ट कर लो एंड पॉडकास्ट भी देख लो। यस क्रिकेट विद कुणाल पॉडकास्ट चैनल है, फटाफट जाओ।